उधम सिंह नगर के सितारगंज में बहने वाली बरसाती कैलाश नदी में बुधवार को एक किसान नदी पार करते समय बह गया। पूरे घटनाक्रम के अनुसार 35 वर्षीय चरण सिंह अपने दोस्तों के साथ कैलाश नदी के पास गया था। चरण सिंह जब नदी पार कर रहा था तो उस वक्त उसके दोस्त उसकी नदी पार करते हुए वीडियो बना रहे थे। अचानक नदी में पानी बढ़ने से किसान पानी के तेज बहाव में बह गया। वही नदी में बहते हुए किसान का ये वीडियो मोबाइल में कैद हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जल पुलिस की सहायता से रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन घंटों पानी में खोजने के बावजूद भी चरण सिंह का पता नहीं चल सका। और वो डूबता रहा, उसकी कोशिश हमने बहुत की बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाया। हाँ, अपने सर हमने वीडियो बनाई थी। कौंदा अशरफ निवासी चरण सिंह है, 38 ईयर्स की एज है। तो ये उसके 3-4 साथी नदी के किनारे पर थे, तो ये नदी क्रॉस कर रहा था, अचानक पानी के बहाव आया तो इससे बह गया। उसके बाद फिर उसके साथी द्वारा सूचना दी गई, तो उसमें पुलिस, हम लोग, रेवेन्यू के और हमारी मेडिकल की टीम भी है, तो सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। सिंचाई वाले भी हैं, तो उसमें हमारी टीम पुलिस की गोताखोरी भी लगी हुई है और PSC की बटालियन भी यहाँ पर, कुछ उसके जल पुलिस वाले लोग आए हुए हैं, बाकी सभी विभाग यहाँ पर लगे हुए हैं और सर्च रेस्क्यू हमारे जा रहे हैं। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए खटीमा से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।